एंड पॉइंट के मुअज्जज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। दोस्तों, मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर के बेटे जुनेद सफदर की शादी की तकरीब लंदन में जारी है। यके बाद दीगरे बहुत सारी वीडियोज़ और तस्वीर भी मौसूल हो रही हैं। जुनेद सफदर के निकाह की तस्वीर के बाद तकरीब की सजावट की वीडियोज़ भी सोशल मीडिया सार्फीन की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। जुनेद की शादी साबिक सैनिटर और चेयरमैन नैब सैफुररहमान की बेटी आयशा के साथ लंदन के लैंस बोरो होटल में हुई। हाइड पार्क कॉर्नर पर नाइट ब्रिज में वाकया ये लंदन का इंतहाई पुरताइश और महंगा तरीन 5-स्टार होटल है। वायरल वीडियो में लंदन के आलीशान लैंस बोरो होटल के हाल को हल्के रंग के थीम कलेक्शन के साथ खूबसूरत फूलों से सजा देखा जा सकता है। शानदार गुलदस्ते, गिलास, कैंडल, शीशे के फानूस और दीगर अशिया नुमाया है। जहाँ ये शादी देखने लायक है, वहाँ इन पर तनकीद भी की जा रही है। पैट के रहनुमा रही कबासी की जानिब से ट्वीट में जुनेद सफदर के निकाह के लिए लंदन के आलीशान होटल के इंतखाब को तनकीद का निशाना बनाया गया। उन्होंने दावा किया है कि लंदन के महंगे तरीन इलाके हाइड पार्क के महंगे तरीन होटल में फी कस मेहमान की लागत 1350 बरतानवी पाउंड है। ये रकम पाकिस्तानी रुपयों के मुताबिक 3,10,000 के करीब बनती है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये उस औरत के बेटे की शादी है जो कहती थी कि मेरी लंदन में तो क्या, मेरी पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है। अगर खान साहब वजीर आजम ना होते तो यकीनन जुनेद की शादी भी आज हुकूमती अखराजात से ही हो रही होती।